आती इतनी सड़क यहाँ से कैसे आप कैसे आते हो? मैंने बोला कि मैं थोड़ा मुझे समय दो, आप लोगों ने मुझे 5 साल के लिए चुन कर दिया, दूसरा साहब कोई काम किया होगा तो सबसे पहले सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़क जो डंपिंग ग्राउंड की सड़क का काम चल रहा है वो आदरणीय पप्पू कलानी के आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद से सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़क बना डाली। आप लोगों को लगता होगा काम मैंने पास करवाया है, उद्घाटन किसको भी करने दो कोई परवाह नहीं पड़ती, नाम नहीं लूंगा, आने वाले दिनों में नाम जरूर लूंगा। साहब ने कहा है कि किसके भी विरोध में बात मत करो, आने वाले दिनों में वो भी बताऊंगा। फिर सबसे बड़ी समस्या थी साहब यहाँ पर पानी की, यहाँ के मेरी महिलाएं पानी अंबरनाथ भरने जाती थी, मैं टैंकर से यहाँ पर टैंकर नहीं आ पाता था, अंबरनाथ के ऑर्डिनेंस के पुलिस वाले डंडे मार मार कर भगाते थे, मैं हनुमान नगर आना बहुत टालता था कि जब तक मेरी महिला और बेटियों को पानी नहीं दूंगा तब तक हनुमान नगर नहीं जाऊंगा। भैया साहब से लेकर सीधा हनुमान नगर तक के पानी की लाइन डालकर नई बस्ती में पानी की लाइन 80% पानी हनुमान नगर के नागरिकों को मिल गया। आप लोगों ने मुझे 1 साल गालियां दी, मैंने इतना काम किया आप लोगों का, आप लोगों ने जो पप्पू कलानी पर भरोसा रखकर आप लोगों ने मुझे चुन कर दिया मेरी भाभी को। फिर रमा भाई अम्बेडकर नगर का रोड साहब, उस रोड में जब ऑटो आती थी तो आधे में आया तो अटक जाती थी, उसको धक्का मारना पड़ता था कि अब ऊपर कब जाएगी। ऐसी सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़क रमा भाई पर दिया हो कि आप लोगों को भी लगता होगा कि हम जो जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं। फिर एक बार आइस फैक्ट्री से लेकर कलानी महल तक का सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़क वो भी दिया है, और 5 सड़क सीमेंट कॉन्क्रीट की बनाने जा रहा हूँ वो भी अभी बताऊंगा, तो दूसरा कल कोई उद्घाटन कर देगा। मुझे उद्घाटन नहीं करना है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे कुछ किसी भी तरीके का शेयर नहीं लेना है। मैं काम करने वाले में से आदरणीय पप्पू कलानी के साथ में छोटे से बनकर बड़ा हो गया। साहब ने कहा कि आप लोग माइक में बोलो, बच्चों को जैसा बोला माइक में बोलो, मुझे भी आजाद नगर में बोला था आप माइक में बोलो, तब से माइक लिया हूँ, माइक छोड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति है। ऐसे ही बच्चों ने जैसे माइक में बोला इतने छोटे पंसद पप्पू कलानी के साथ में रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। मैं खुद कभी नगर सेवक नहीं बनना चाहता पर आप लोगों का काम करते रहूंगा। अभी भी साहब और ओमी कलानी जी ने मेरे ऊपर जवाबदारी दी कि आप नगर सेवक नहीं बनेंगे, आपकी धर्म पत्नी बनेगी, आपके परिवार का कोई सदस्य बनेगा। आप लोगों ने जो प्यार दिया, आप लोगों ने जो सहकार दिया 5 सालों तक।